नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नया एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूं, जिससे दोस्तों आप फास्फोरस तेल बना सकते हैं। किसी भाई का कमेंट आया था कि फास्फोरस तेल कैसे बनाएं। ठीक है जी, फास्फोरस तेल बनाने के लिए दोस्तों आपको 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, और दोस्तों आपको उसमें 6 गुना आरओ का पानी डालना है। ठीक है, 5 गुना भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसको रेत यंत्र पे डाले, धीमा धीमा उसको आँच दे। ठीक है, हड्डियों का चूरा ले लें, हड्डियों का चूरा उसमें डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा दूर रहें, उसका धुआँ खतरनाक होता है। उसमें आप खुली जगह पे प्रयोग करें, जिधर हवा का रुख रहता है उधर आप ना रहें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसको धीरे धीरे हीट देते रहें। जब धुआँ निकलना बंद हो जाए तो फिर उसको आप हीट दें, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं। ठीक है, उसको आप हीट देते रहें, हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे पकाते रहें। ऐसा दोस्तों जैसी धुआँ बंद हो जाए उसके बाद फिर आप डालें दूसरा फास्फोरस। ऐसा कर करके दोस्तों आपको उसके अंदर 100 ग्राम फास्फोरस डाल देना है। ठीक है, वह हड्डी का कैल्शियम टूट जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो उसमें फास्फोरस होगा वो उसके ऊपर तेल के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये फास्फोरस तेल बन जाएगा दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस का। अब आपको इसको कैसा उपयोग करना है आप देखिए आगे क्या करना है। वैसे इसका 200 ग्राम 250 ग्राम नाइट्रिक में भी आप इसको बना सकते हैं बगैर पानी डाले, बाकी आपको इसके धुएं से बच के रहना है। ठीक है, दोस्तों ये कोई मैंने प्रयोग किया था, ये शुद्ध सिल्वर का निर्माण हो चुका है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, किसी भाई ने कमेंट किया था दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला हूँ। धन्यवाद।